सूरज गोस्वामी है। बस क्या हुआ था? मेरी बेटी 10 साल की है, मन्नत गोस्वामी, वो अंदर आई थी गेट नंबर 4 से, उसको अंदर नहीं आने थे गार्डों ने और उसको धक्का मारा, और मेरी साली भी थी उसको 15-16 साल की, ज़्यादा बड़े कोई नहीं थे, उन दोनों को अंदर नहीं आने थे। इनने अपने अपने लोगों को अंदर करा दिया, जिन जो उनने इनको पैसे दिए थे उसको उनने अंदर करा दिया। मैं मंदिर गोस्वामी हूँ, इनने इनको आने नहीं दिया, उसको थप्पड़ मार दिया, मेरी साली घसीटती हुई वो सामने वाला मंदिर है उस पर ले गई। उस पर ले जाने के बाद इनने बदतमीज करी, उस पर थप्पड़ मार दिया, उसके कान में से खून आ गया। बच्ची इतनी डर गई, होपलेस हो गई कि उसने मुझे गले लगा लिया, पापा पापा करके रोने लगी, इतनी घबरा गई बच्ची कि ऐसे इनका इतना आतंक फैल चुका है कि यात्री पर्दे से कुछ नहीं देख रहे, हम पे इनकी 4-5 वीडियो भी हैं, ये सब दर्शनार्थी परेशान कर रहे हैं, ब्रजवासी को परेशान कर रहे हैं, वृंदावन के लोगों को कुछ नहीं समझते, किसी को अंदर नहीं आने देते हैं, वृंदावन के लोगों को। अगर कोई किसी तरह की कार्रवाई नहीं करी तो हम ब्रजवासियों के लिए, जो कि लोकल आरती नहीं कर पाते हैं, उनसे गार्ड मारपीट करते हैं, उनके लिए कोर्ट जाएंगे। ये सिक्योरिटी गार्ड से एवं मंदिर के गोस्वामी जनों के बीच कुछ विवाद हुआ है और उसके लिए मीटिंग चल रही है अभी गोस्वामी लोगों से, और सिक्योरिटी को भी आदेश दिया जा रहा है कि जिससे आगे इस तरह की कोई घटनाएं ना हो, आपस में तनातनी ना हो और व्यवस्था मंदिर की सुचारू रूप से चलती रहे। ये समस्या अब पहली बार नहीं है, काफ़ी समय से चली आ रही है, यात्री प्रदेशों के साथ व्यवहार।